नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार में दरभंगा अहमदाबाद एक्सप्रेस में अचानक आग लगी, जिसके बाद ट्रेन के कई डब्बे जलकर खाक हो गए। बिहार में बुधवार के बाद ये दूसरा मौका है जब किसी ट्रेन में आग लगी है। शनिवार सुबह दरभंगा अहमदाबाद एक्सप्रेस की कई बोगियां धू धू कर जलने लगी। आग लगने के बाद प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाते ही रेलवे के अधिकारी और दमकल विभाग के लोगों ने आग पर काबू पाया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बता दें कि बुधवार को प्लेटफॉर्म पर खड़ी बिहार संपर्क क्रांति में अचानक आग लग गई थी। स्पेन के दिग्गज टेनिस प्लेयर राफेल नडाल लगातार पांचवीं बार यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। राफेल नडाल लगातार पांचवीं बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। रविवार को नडाल का मुकाबला रूस के डेनिल मेदवेदेव से होना है। बता दें कि मेदवेदेव अपने करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। रविवार को अगर नडेल जीतते हैं तो उनके नाम 19 ग्रैंड स्लैम खिताब हो जाएंगे। नडेल के अलावा रोजर फेडरर 20 बार इस खिताब को जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसे में 3 बाइक सवार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये तीनों बाइक सवार गणपति विसर्जन के बाद घर लौट रहे थे। यूपी के हरदोई में शुक्रवार देर रात गणपति विसर्जन से लौटते हुए 3 बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हो गए। विसर्जन से लौटते हुए एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस द्वारा तीनों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। और न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए लचित मलिंगा ने लगातार 4 विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई। शुक्रवार को न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले गए T20 में लचित मलिंगा ने अपनी दूसरी हैट्रिक ली। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के सामने 126 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड महज 88 रनों पर ढेर हो गई। मलिंगा ने इस मैच में 4 गेंदों में लगातार 4 विकेट लिए। इससे पहले 2016 से 17 के बीच मलिंगा ने T20 में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली हैट्रिक ली थी।